बताएं अच्छे लगे हैं? कहाँ अच्छे, सब महंगाई है, सूखिया बनाया। अच्छा, मैं जी ने इनको काम किया नहीं किया? कांग्रेस का तो वैसे। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूपी इलेक्शन 2022 में अमरोहा विधानसभा क्षेत्र के ढकियाचमन गांव में हमारी टीम आई है और जानने की कोशिश करती है कि यहां पर किसकी हवा चल रही है, योगी आदित्यनाथ जी ने कितना काम किया और कितना काम कराया, उसका पब्लिक पर क्या असर पड़ा, पब्लिक उन्हें पसंद करती है नापसंद करती है, ये पब्लिक चाहती है किसको वोट देना है, पब्लिक किसको चुनना चाहती है, अखिलेश सरकार को चुनना चाहती है, मायावती को चुनना चाहती है, आम आदमी पार्टी को चुनना चाहती है, ओवैसी हैदराबादी बिरयानी को चुनना चाहती है या भाजपा सरकार को चुनना चाहती है। तो दोस्तों, आज हम सर्वे कर रहे हैं, आज हम जनता के बीच जाकर पूछते हैं कि जनता क्या चाहती है, जनता का मिजाज क्या है, जनता किसको चुनना चाहती है, ये योगी सरकार को चुनना चाहती है, योगी सरकार के अलावा किसी और को चुनना चाहती है, अखिलेश सरकार को चुनना चाहती है या सपा को चुनना चाहती है। तो दोस्तों, आज हम सर्वे करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि ये लोग किसकी सरकार को ज़्यादा पसंद करते हैं और क्या चाहते हैं। हाँ जी, बताइए किसकी सरकार को ज़्यादा पसंद करते हो, योगी सरकार को या फिर अखिलेश सरकार को? अखिलेश को। अखिलेश सरकार को पसंद करते हो, क्यों पसंद करते हो? अच्छी है वो, सही है। अच्छा, यो तो योगी सरकार में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा उसके बारे में बताएं। महंगाई ज़्यादा है, फिर भी बच्चे हैं उन्हें पालना है, ठीक है, भी देखना है। हाँ, तो देखो हमारे भाई बता रहे हैं कि योगी सरकार में महंगाई ज़्यादा है तो इस वजह से इनको ये सरकार पसंद नहीं है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे भाई के पास। हाँ भाई बताइए, आप किसकी सरकार को पसंद करते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की सरकार को पसंद करते हैं, ये क्यों पसंद करते हैं बताइए एक चीज़। योजनाएं बहुत सारी हैं और उसकी सरकार में डीजल भी सस्ता था, पब्लिक को इतनी परेशानी नहीं थी। इस सरकार में डीजल बहुत महंगा है बीजेपी में। अच्छा, डीजल महंगा है बहुत ज़्यादा। तो आप ट्रांसपोर्ट लाइन से हैं इसका मतलब? मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, अपनी गाड़ी है किसी और की गाड़ी है? मेरी अपनी गाड़ी है। हाँ जी, देखो इन भाई की गाड़ी अपनी है, अपना दर्द बयां कर रहे हैं क्योंकि पहले डीजल 50 पार था या 60 पार था तो उस टाइम पे इन्हें रोजी बहुत अच्छी कम रही थी, लेकिन जब से योगी सरकार आई है, सेंटर में सरकार आई है, तब से इनको जो है डीजल की मार झेलनी पड़ रही है। तो डीजल की मार झेलने से क्या आप पर असर पड़ रहा है? बड़े भाई, हम गाड़ी लोड करके लेकर आए थे रांची से, पहले भाड़ा हमको मिलता था 25,000 रुपये, डीजल खर्चा होता था मात्र 12,000 रुपये, अब 25,000 का डीजल खर्चा हो रहा है और भाड़ा मिल रहा है मात्र 12,000 रुपये। बताइए क्या करें, घर से पैसे लगवा लगवा वापस आ रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकल रहा, डीजल इतना महंगा है कोई रुपया गाड़ी नहीं छोड़ रही, क्या करा जाए बताइए, कहाँ से भी बच्चे पालेंगे। और योगी जी ने ये कानून बनाया है, दो बच्चों को, जिसके दो बच्चे होंगे सरकारी नौकरी उसको मिलेगी, तीन बच्चे जिसके हो जाएंगे तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, तो कैसा ये कानून है इसके बारे में बताएं हमें। योगी जी चाहे जितने जोर लगा लें, बच्चे अगर एक बच्चे पहले पैदा होता और दूसरा बच्चे, दो बच्चे साथ पैदा होते तो योगी जी क्या उसको मरवा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब हम चलते हैं, हमारे ये भाई हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं किसकी सरकार आ रही है इस बार। भाई साहब, अखिलेश यादव की सरकार आ गई। अच्छा, क्यों आ रही है इस बार अखिलेश यादव की सरकार? अरे भाई साहब, बहुत ऐसा मान लो कि बहुत ही बढ़िया सरकार है हम लोगों के लिए तो। अच्छा, इस सरकार में तो मान लो बख्शिश ही ना, हमारे अलावा मतलब जितने भी कमजोर आदमी हैं बिल्कुल कमर टूटी पड़ी उन लोगों की। अच्छा, रोजगार बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा, ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, अभी हालात देख रहे हो हम कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब। हाँ हाँ, दो तो दिखाई दे रहा है भाई। हाँ, दिखाई दे रहा है बस आपको। भाई साहब ऐसा मान लो कि एक फजर के टाइम के गए हुए हैं, सुबह 5 बजे गए हुए हैं और अभी तक ऐसे ही है बेसहारा। ठीक है भाई, आपका इमरत। क्या नाम है? इमरत। इमरत भाई कहाँ से आए हो? जोया से आए हैं। तो इस बार यूपी इलेक्शन आने वाला है तो किसे वोट डालोगे आप? डाल देंगे वही। कहाँ, साइकिल पर डालोगे, भाजपा फूल पर डालोगे या फिर हाथी पर डालोगे? अखिलेश भाई पे। अखिलेश भाई पे डालेंगे। अच्छा, तो योगी भाई पे क्यों नहीं डालोगे? क्या होगा उनका है? वैसे देते मोहम्मद अरशद नौजवान, तो इस 2022 के इलेक्शन में आप किसको वोट डालना पसंद करोगे, किसकी हवा चल रही है यूपी के अंदर?
यूपी के अंदर इस बार हम कांग्रेस के लिए आएंगे। अच्छा, कांग्रेस का तो वैसे कोई नाम निशान नहीं है, ये आपको कैसे वो लगा कि आपको कांग्रेस को डालेंगे वोट? देखो भाई, मुसलमान का जो हक है वो सही तरीके से कांग्रेस ही दिला सकती है। अच्छा। हमें तो लगता नहीं है कि योगी जी कुछ कराएंगे। योगी जी ने कितना लोग परेशान कर रखा है। नहीं, योगी जी बता रहे हैं कि हमने 3 लाख नौकरियां दी, 3 करोड़ नौकरियां दी, तो इस कोई आपको पता किसी के आसपास किसी की नौकरी लगी आपके यहाँ? मैं खुद MBA बैठा हूँ और MBA करने के बाद ये देख रहे हो आप, ये इधर ये मजदूरी कर रहा हूँ मैं, 400 रुपये दहाड़ी पे मजदूरी। अच्छा, MBA करने के बाद। योगी जी एक कानून लाए हैं, 2 बच्चे वालों को सिर्फ नौकरी मिलेगी, 3रा बच्चा जिसका होगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी, तो उससे कुछ क्या असर पड़ेगा, उससे कुछ फायदा होगा इलेक्शन में? नहीं होगा। अब ये कानून तो उन्होंने बना दिया, लेकिन मोदी जी ने नहीं देखा कि कितने बहन भाई हैं खुद अपने, तो ये कानून तो पहले घर में लागू करते वो। अच्छा, तो एक ये किसान आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा है, तो अभी तक योगी जी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो क्या योगी जी की नाकामी वो बोलेंगी या किसकी नाकामी बोलेंगे? देखो भाई, किसान आंदोलन जो है एक तरीके से हमारा जो है, ये किसान भाई ये हैं कि हमारे लिए हैं आज की तारीख में जो खड़े हैं, तो इनकी तो सुननी चाहिए सरकार को, और सरकार अगर इनकी नहीं सुनेगी तो अन्नदाता की नहीं सुनेगी तो फिर किसकी सुनेगी? ये लोग 9 महीने से स्ट्राइक कर रहे हैं, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, तो इनकी तो सुननी चाहिए ना। तो योगी जी से आपको परेशानी क्या है? योगी जी को वोट डाल देंगे तो क्या परेशानी है आपको? क्या कुछ ले थोड़ी लेंगे? और योगी जी राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं पाकिस्तान कितना कांप रहा है, थर थर कांप रहा है? पाकिस्तान से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, वो कांपे या डरे या मर जाए बिल्कुल, लेकिन योगी जी ने हमारे लिए क्या करके दिया? कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल पट पड़ा है, किसी चीज़ में भी हर चीज़ में हालत देख लो, हर चीज़ में खस्ता हालत है। ठीक है भाई, अब हम दूसरे भाई के पास जाते हैं। दोस्तों, अब हम आए हैं अब्दुल्ला पकौड़ी, जो बहुत फेमस पकौड़ी है हमारे यहाँ की, इस गांव की, ढकिया चमन की, और उनसे पूछते हैं कि यूपी इलेक्शन में किसका रुझान चल रहा है। हाँ अब्दुल्ला भाई, बताइए इस बार इलेक्शन में कौन जीतेगा? योगी जी जीतेंगे या अखिलेश जी जीतेंगे, भाजपा जीतेगी या फिर समाजवादी पार्टी जीतेगी या फिर कांग्रेस जीतेगी, बताइए। इस बार तो इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब्दुल्ला भाई कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, और योगी जी आज क्यों नहीं जीत पाएंगे बताइए? ऐसी क्या परेशानी है योगी जी जीत पाएंगे? महंगाई है, महंगाई का दौर चल गया इस टाइम, बहुत ज़्यादा महंगाई है। जो हम 1100 रुपये का टीन लाते थे रिफाइंड का, अब जो है सीधा 2300 रुपये का मिल गया। अच्छा, 2300 रुपये का इस बार इस वक्त मिल रहा है, पहले कितने का मिलता था? पहले 1100 रुपये का टीन। अच्छा, 1100 रुपये का इनको टीन का यानी कि रिफाइंड का पीपा मिलता था, तो ये भी तेल की मार झेल रहे हैं कहीं ना किसी सूरत में। तो फिर योगी जी ने एक कानून लाए हैं, 2 बच्चों का, 2 बच्चों को नौकरी मिलेगी, 3रा बच्चा होगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी, तो इसके बारे में क्या कहना है आपको? ये हमारा आबिद भाई बताइए, इस बार इलेक्शन में कौन आ रहा है, कांग्रेस आ रही है या फिर भाजपा आ रही है या फिर समाजवादी पार्टी या फिर मायावती पार्टी? अगर ऐसे ही ये सलीम भाई ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर समाजवादी पार्टी आएगी। समाजवादी पार्टी को क्यों पसंद करते हैं? वो लोग सही सौदा मिलता, खाना पीना सही मिलता, सस्ता मिलता। अच्छा, महंगाई कम रहती है उसकी, उसकी गवर्नमेंट में। अच्छा, तो योगी जी आपको पसंद क्यों नहीं है? सही है, योगी जी भी अपनी जगह सही हैं, अच्छे हैं, लेकिन यह महंगाई बहुत बढ़ रही है। अच्छा, महंगाई बढ़ गई है तो इसलिए आप समाजवादी पार्टी को, आपके यहाँ से इस बार वोट जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहेंगे, वो लोग जरा क्षमता करते हैं, वो बताई करते हैं, झैलात करते हैं, और बात रहा सवाल नौकरी का, वो तो सब तकदीर के बंदे। अच्छा, ठीक है आबिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब हम आए हैं जावेद भाई की दुकान पर। जावेद भाई बताइए, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी और अमरोहा की सरजमी पर आए हैं, आपके आप इनका इस्तकबाल करने जा रहे हैं निकल? ये बिल्कुल नहीं। तो इस बार वोट किसे देने जा रहे हैं आप? साइकिल को वोट क्यों देना चाहते हैं बताइए? समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ जी ने, हम अखिलेश यादव को वोट देना चाहते हैं, ये भी अखिलेश यादव की देन है जो हमारा आगे रखा। देखो जी, इन्होंने जो ये लैपटॉप चला रहे हैं ये अखिलेश यादव की देन बता रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने नौजवानों के लिए बहुत काम किया था, रोज़गार बहुत दिया था, तो ये जो वोट देने जा रहे हैं इस बार अखिलेश यादव जी की साइकिल को देने के जा रहे हैं। हमारे भाई हैं डिडोली से, आज आपके जोया सरजमी पर योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आए हैं प्रदेश के, तो उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं आप या नहीं? तैयार तैयार हो। अच्छा, तो योगी जी ने
ऐसा स्वागत कर रहे हैं आप, तो योगी जी की कौन कौन सी आपको जो काम कराए हैं अच्छे लगे हैं? कहाँ अच्छे, सब महंगाई है, चूतिया बनाया। अच्छा महंगाई, सब चूतिया बनाया, महंगाई बहुत करी। अच्छा तो आज आप योगी जी के स्वागत करने के लिए जाएंगे या विरोध में जाएंगे? विरोध में। अच्छा विरोध में जाएंगे। और योगी जी ने कानून बनाया था, दो बच्चे जिसके होंगे उसे नौकरी मिलेगी, तीन बच्चे इसके होंगे उसे नौकरी नहीं मिलेगी, तो इस कानून के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? गलत कानून है। अब हम चलते हैं अपने इकरार भाई के पास। इकरार भाई, योगी जी ने शिक्षा के लिए क्या काम किया बताइए? कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं कर पाए, सब चूतिया बनाया अब तक। अच्छा तो योग, अब आने वाले टाइम में आप जो है भाजपा को सपोर्ट करने वाले हैं या समाजवादी को सपोर्ट करने वाले हैं या कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? भाई सारी पार्टी बढ़िया, इसे छोड़ के बस भाजपा को। तो ये हमारे इकरार भाई कह रहे हैं कि भाई जो है महंगाई ने और शिक्षा ने के क्षेत्र में इन्होंने काम नहीं किया। स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया? कोरोना में कुछ काम किया नहीं क्या इन्होंने? कुछ नहीं, बात बड़ी बड़ी बातें की वो। अच्छा वादे किए हैं सिर्फ है? बातें। अच्छा अच्छा, वादे भी बड़े बड़े किए हैं और बातें भी बड़े बड़े किए हैं, ड्रामा करने की आदत है सबको। शुक्रिया इकरार भाई, शुक्रिया शमशाद भाई, अब मिलते हैं आपको कल। हम आए हैं रामकिशोर की डिडोली में, जो अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में आता है। डिडोली बड़े कस्बों में है और हम अब रामकिशोर जी से पूछते हैं कि रामकिशोर जी, आज योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो उनका आज स्वागत करने के लिए जा रहे हैं आप? बिल्कुल जाने साहब। हाँ देखो योगी आदित्यनाथ जी का, हाँ कोई भी हो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका स्वागत करना हमारे वो बनता है, रेस्पेक्ट बनता है, इज्जत बनता है। तो आने वाले चुनाव में आप किसको लेकर बात करना चाहते हैं? क्या क्या मुद्दे हैं? महंगाई है, भ्रष्टाचार है, गुंडा राज है, योगी जी ने इन पर काम किया नहीं किया? अच्छा अब हम चाहते हैं सुरेंद्र जी के पास। सुरेंद्र जी बताइए, योगी आदित्यनाथ जी के स्वागत समारोह में जा रहे हैं आप? जाएंगे जी, हम तो हार लेके जाएंगे लगभग 1000 का। अच्छा, योगी जी का बढ़िया तरीके से स्वागत किया जाएगा। अच्छा, पहली बार जिले में पधार रहे हैं वो, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने। सही बात। अच्छा कोरोना के लिए इन्होंने काम किया नहीं किया? कोरोना के इतनी बड़ी बीमारी, कोरोना के लिए इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है, इससे जनता बहुत ही खुश है। और भाई आप जा रहे हैं? देखो ये हमारे डिडोली के विधानसभा क्षेत्र अमरोहा के कुछ लोग हैं वो, जो कालाखेड़ा से आते हैं, डिडोली से आते हैं, सैंतली से आते हैं, सिनोरा से आते हैं, ये सब लोग योगी आदित्यनाथ जी के स्वागत समारोह में जा रहे हैं। तो डिडोली की सरजमी पर नौसाद आयत किराना स्टोर पर बताइए भाई, आपके जोया में योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, तो उनका स्वागत के लिए जा रहे हैं आप? जाइए। अच्छा योगी आदित्यनाथ के नाथ जी के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के दो अच्छे काम बताइए आप। एक शिक्षा पे बहुत जोर दिया है इन्होंने और दूसरा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अच्छा तो अब आने वाले टाइम में आप इसका मतलब बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। अच्छा वोट फॉर बीजेपी। तो और बताइए, तो ओवैसी हैदराबादी बिरयानी ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ दिल में कुछ है? धर्म के नाम पर कभी वोट नहीं मिलता। अच्छा तो योगी जी तो किसका धर्म के नाम पर काम करते हैं या फिर डेमोक्रेसी के लिए काम करते हैं? योगी जी ना धर्म के नाम पर काम करते हैं, योगी जी जनता के लिए काम करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। योगी जी ने अभी बोला है अब्बा जान चाचा जान, ये वाले दो सेंटेंस इसके बारे में क्या कहेंगे? अब्बा जान क्या हिंदू लफ्ज है या हिंदी का लफ्ज है या फिर उर्दू का लफ्ज है, ये क्या कहने का मकसद था उनका? अब्बा जान चाचा जान उर्दू का है लेकिन ये एक इंसानियत का नाम पैगाम है। अब्बा जान और चाचा जान जी। अच्छा और कोरोना जो बीमारी हुई थी इसके बारे में उन्होंने कुछ काम किया नहीं किया, इसके बारे में बताइए स्वास्थ्य के बारे में? इतना काम शायद यूपी में किया है और किस राज्य में नहीं हुआ, पूरी अच्छा। तरह से कंट्रोल कर लिया गया यूपी में। अच्छा कोरोना को तो आप